आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। प्लीज़ अप्रिशिएट दिस प्रेजेंटेशन हैज बीन प्रिपेयर्ड विद ऑल सिंसियरिटी एंड टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज स्टूडेंट्स टीचर्स वॉलंटियर्स। वी वेलकम वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट एंड ऑल्सो सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट फॉर यूज इन एकेडमिक्स और एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स। प्लीज वेरीफाई एंड कोरिलेट विद द कोर्स बुक्स बिकमिंग एन एसोसिएट एंड ऑल्सो एंडिंग कंट्रीब्यूशन डिफरेंट सब्जेक्ट इंक्लूडिंग स्टोरी टेलिंग। प्लीज गेट इन टच विद द प्रोफाइल एट postkinjoy@gmail.com। तो सबसे पहले हमारे पास करंट टॉपिक आता है कि वो है कि क्लाइमेट और सीज़न के अंदर और वेदर के अंदर डिफरेंस क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो वेदर जो होता है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म कंडीशन जो होती हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक है, उनको रिफ्लेक्ट करता है, उनको बताता है। और क्लाइमेट जो होता है वो एवरेज डेली वेदर कंडीशंस को जो पूरा एवरेज निकाला जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोई भी सर्टन लोकेशन के ऊपर, तो वो हमारे पास क्या होगा, क्लाइमेट होगा। ठीक है, वेदर जो है वो क्या मिनट टू मिनट, ठीक है, आवर टू आवर या फिर डे टू डे चेंज होता रहता है, सीज़न टू सीज़न चेंज होता रहता है। जैसे कि सर्दी से गर्मी आ जाती है तो ये सब वेदर के चेंजेस होते हैं, लेकिन क्लाइमेट जो है वो एक पूरा एक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखेंगे, ठीक है, काफ़ी साल तक किस तरह का वहाँ का मौसम मौसम रहता है कोई जगह का, तो उसी को हम बोलेंगे कि वो ऐसा वहाँ का क्लाइमेट है। वो यहाँ पर लिखा है क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर ओवर टाइम एंड स्पेस, सीजन आर पैटर्न वेदर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ईयर। ठीक है, तो सीजन क्या होते हैं, एक पैटर्न होते हैं। जैसे मान लीजिए गर्मी आ गई तो एक सीज़न आ गया, एक पूरा पैटर्न रहा, सर्दी तो पूरा पैटर्न रहा सर्दी का, ठीक है, वेदर में, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, सीज़न बोलते हैं। तो मेजर सीज़न इन इंडिया कौन कौन से हैं, तो कोल्ड वेदर सीज़न, हॉट वेदर सीज़न, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, ठीक है, और सन ऑफ एंड सॉरी सीज़न ऑफ वेटरिंग मानसून, यानी कि सीज़न ऑफ वेटरिंग मानसून को हम क्या बोलते हैं, ऑटम भी बोलते हैं, जैसे पतझड़ कहते हैं। ठीक है, सर्दी के अंदर देख सकते हैं ऐसा होता है, गर्मी के अंदर ऐसा होता है, ठीक है, वो मानसून के अंदर ही रहा। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन एटीट्यूड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। ठीक है, तो उस जगह का किस तरह का लोकेशन है, ठीक है, किस तरह की डिस्टेंस उसकी सी से कितना दूर है पास है, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ क्लाइमेट कैसा होगा। ठीक है, अब जैसलमेर और जो बीकानेर है वो काफ़ी हॉट एरियाज हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, और द्रास एंड कारगिल के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर वेरी कोल्ड एरियाज हैं। ठीक है, और कोस्टल प्लेसेस जो होते हैं वो मॉडरेट रहते हैं उनका टेम्परेचर मोस्टली। मैसूरम मेघालय के अंदर जो है वो वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है। नेचुरल वेजिटेशन के बारे में देख लेते हैं, तो ग्रासेज श्रब्स ट्रीज जो कि ग्रो होते हैं अपने आप, ठीक है, विदाउट इंटरफेरेंस या हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग के, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि जंगल वगैरह जो अपना पकते हैं। द वेजिटेशन ऑफ इंडिया को 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट, ज्योनी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। इनको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो दे आर फाउंड इन एरियाज विच रिसीव हैवी रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है वहाँ ये मिलते हैं। मैनी स्पीशीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, दे शेयर देयर लीव्स एट द डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर, दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, उनके डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर पे लीव्स पतझड़ मतलब उन पर आधा रहता है। ठीक है, और काफ़ी तरह की स्पीशीज की ट्री यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन से हैं इस फॉरेस्ट के, तो वो है मैगोने, एबोनी एंड रोजवुड। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं, तो इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इन फॉरेस्ट की जो लीव्स होती हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर पे ही झड़ती हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज यहाँ पे कौन कौन से हैं, साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम। माउंटेन वेजिटेशन के बारे में देखते हैं, तो एट हाइट ऑफ बिटवीन 1500 मीटर एंड 2500 मीटर्स मोस्ट ऑफ ट्रीज आर इन कोनिकल शेप। इतनी हाइट के ऊपर यहाँ पे इस वेजिटेशन के अंदर जो ट्रीज मिलते हैं वो सब कोनिकल शेप के ही होते हैं। ट्रीज यहाँ पे क्या कहा जाता है, कॉनिफोरस ट्रीज बोला जाता है यहाँ के ट्रीज को। इंपॉर्टेंट ट्रीज यहाँ पे कौन कौन से हैं, चायर, चेर, पाइन एंड देओदार। मैनग्रोव फॉरेस्ट को देखते हैं, तो ये जो फॉरेस्ट है वो क्या होते हैं, बेसिकली सराउंडिंग वाटर में रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पानी पूरा सा भरा रहता है। ठीक है, सुंदरी इज वेल नोन स्पीशीज ऑफ ट्री। अब यहाँ पे सुंदरी जो है वो यहाँ का मेन ट्री है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है हमारी लाइफ में, तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे द्वारा यूज़ की जाती है ब्रीथिंग के लिए, तो पहले यूज़ तो यही हो गया। ठीक है, और रूट जो होती है प्लांट की वो सॉइल को बांध के रखती है, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता है। ठीक है, और प्लांट्स के यहाँ पे फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमें लकड़ी वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, ताकि जलाने के लिए भी और फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए भी। ठीक है, उनसे हमें फॉडर भी मिलता है, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स वगैरह भी, ये सभी फॉरेस्ट से मिलते हैं। ठीक है, हनी वगैरह, गम वगैरह भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं, गम या फिर लैग वगैरह भी। फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल हैबिटेट होते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ की जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो वहीं पर मिलते हैं मोस्टली
फॉरेस्ट के अंदर, और वाइल्ड लाइफ के बारे में पूरे देखते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं जो कि नेचुरल वेजिटेशन के अंदर रहते हैं उनको वाइल्ड एनिमल्स कहा जाता है। थाउजेंड्स ऑफ एनिमल स्पीशीज लिव इन फॉरेस्ट, हज़ारों स्पीशीज फॉरेस्ट में के अंदर रहती हैं एनिमल्स की। टाइगर जो है वो नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया का, और ये जगह जगह पर इंडिया के अंदर पाया जाता है। जो एशियाटिक लायन होता है वो गिर फॉरेस्ट के अंदर गुजरात में मिलता है। एलिफेंट्स जो होते हैं वो केरला, कर्नाटका, आसाम में मिलते हैं। आसाम जो है वो होम भी है किसका, वन हॉर्न राइनो का, यानी कि राइनो, राइनो एक जानवर था उनके लिए, वो मोस्टली वहीं पे मिलते हैं आसाम के अंदर वाइल्ड जानवर। वैसे कि अब और इसके बारे में देखते हैं तो वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड, बियर एट्सेट्रा, ये सब जो हैं ये कहाँ मिलते हैं, हिमालयन रीजन के अंदर मिलते हैं। पिकॉक जो है वो हमारा नेशनल बर्ड है। पैरट, पिजन, मायन, जीस, बुलबुल, डक्स, ये अदर कॉमन बर्ड्स हैं जो इंडिया के अंदर मिलते हैं। ड्यू टू लार्ज स्केल ऑफ कटिंग फॉरेस्ट, नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स बिकम लेस। ज़्यादातर कटिंग की फॉरेस्ट की वजह से क्या हुआ, उनका नेचुरल हैबिटेशन है वाइल्ड एनिमल्स का, वो हमें क्या होने लगा, कम मिलने लगे, या फिर जो हमें कम उपलब्ध होने लगे, एनिमल्स मरने लगे काफ़ी सारे। क्यों मरने लगे, क्योंकि उनका घर वगैरह छीन लिया गया, फॉरेस्ट को काट दिया गया। मैनी एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट, काफ़ी सारे एनिमल डेंजर के अंदर एक्सटेंट होने के, मैनिमल्स हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटेंट, और काफ़ी सारे पहले से एक्सटेंट हो चुके हैं। एक्सटेंट स्पीशीज़ कौन कौन से होती हैं जो अब नहीं मिलती उनको एक्सटेंट स्पीशीज कहा जाता है, और एंडेंजर्ड स्पीशीज उनको कहा जाता है जो कि एक्सटेंट होने वाली हैं, ठीक है, उसके डेंजर में है। थैंक यू।